तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। एक दिन बाद मुझे कॉल आया कंपनी की तरफ से, क्यों रिटर्न करना चाहते हो, क्योंकि रिटर्न करने के बाद जो पैसे आने वाले थे वो उनके सीबी रिवॉर्ड पॉइंट में जाने वाले थे। अगर आप भी कॉस्मिक बाइट के वेबसाइट में से कुछ भी लेना चाहते हो तो वो रिटर्न नहीं होगा। तो स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा जो कॉस्मिक बाइट का मैकेनिकल कीबोर्ड है, मैं उसको रिटर्न करने वाला हूँ। अब क्यों रिटर्न करने वाला हूँ, उसका रीज़न तो मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हो। तो अब बात करते हैं कि मैंने वो रिटर्न किया था तो वो रिटर्न हुआ या नहीं, उसके पैसे मिले या नहीं, वो सब डिटेल मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मतलब 10 से 15 मिनट का, तो कोई बात नहीं। पर मुझे जितनी भी इस चीज़ से एक्सपीरियंस आया वो सब एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और कैसा लगा मुझे उनकी वेबसाइट का जो एक्सपीरियंस है या फिर उनका रिटर्न करने की जो पॉलिसी है, तो वो सब की डिटेल मैं आज आपको इस वीडियो में देने ही वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कि क्या हुआ। तो देखिए, सबसे पहले मुझे तो ये कीबोर्ड रिटर्न ही करना था, तो इसके लिए मैं उनके वेबसाइट पर गया और मेरा जो आईडी है वो लॉगिन किया। उसके बाद मेरा ऑर्डर वहाँ पर दिख गया तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। और रिटर्न करने के बाद वहाँ पर लिखा आ रहा था, मतलब शो हो रहा था कि 2 दिन बाद जो कुरियर बॉय है वो पिकअप करने आ जाएगा आपका रिटर्न ऑर्डर। सो उसके बाद एक दिन बाद मुझे कॉल आया कंपनी की तरफ से, क्यों रिटर्न करना चाहते हो। तो मैंने उनको बताया कि मेरा जो कीबोर्ड का जो स्पेस बार है वो जो है अच्छे से साउंड नहीं कर रहा है, उसमें कुछ खराब होगा, तो इसलिए मुझे ये रिटर्न करना है, मुझे चाहिए ही नहीं। तो उन्होंने क्या कहा पता है कि आपका ये रिटर्न तो हो जाएगा लेकिन आपको डायरेक्ट कैश नहीं मिलेगी या फिर आपके बैंक अकाउंट में भी पैसे नहीं आएंगे। तो वो जो रिटर्न किए गए, मतलब जो 1500 रुपये 1520 रुपये कीबोर्ड के, वो पैसे आपको मिलेंगे नहीं, वो आपके कॉस्मिक बाइट रिवॉर्ड पॉइंट में जमा होंगे। तो आप समझ रहे हो, मतलब उनकी वेबसाइट है कॉस्मिक बाइट, तो सीबी रिवॉर्ड करके उनका एक वॉलेट रहता है, तो वो जो जितने भी पैसे 1520 रुपये वो पॉइंट के रूप में वहां पर जमा हो जाएंगे। और अगर आपको उनको यूज करना है तो आपको हमारी वेबसाइट से ही कुछ दूसरा प्रोडक्ट या फिर कोई भी प्रोडक्ट लेना होगा तो वैसे आप यूज कर सकते हो, आपको डायरेक्ट पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये सुन के मुझे तो एकदम झटका ही लगा कि ऐसा कैसा हो सकता है। और उन्होंने क्लियरली मेंशन भी नहीं किया है रिटर्न के, जो उनका रिटर्न का सेक्शन है उधर मेंशन भी नहीं किया है कि आपको पैसे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो अब मैंने सोचा कि सीबी रिवॉर्ड में पॉइंट्स तो आ जाएंगे लेकिन उनका मैं यूज़ क्या करूँगा। उनके एक तो कॉस्मिक बाइट के जो प्रोडक्ट है उनमें क्या है, माउस है, हेडफोन है, और वो सब मेरे पास तो है, मुझे वो तो नहीं चाहिए। मुझे कीबोर्ड ही चाहिए था लेकिन वो भी कीबोर्ड ऐसा निकला, तो मुझे मैकेनिकल कीबोर्ड चाहिए नहीं था। पर अब दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा मेरे लिए, पैसे वापस तो मिल नहीं सकते, तो मैंने उनको रिप्लेस का ही ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कहा रिप्लेस हो सकता है आपका कीबोर्ड, अगर आपका स्पेस बार अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो आप रिप्लेस कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है फिर रिप्लेस ही कर दीजिए, फ़ोन कॉल पे, ये सब बात फ़ोन कॉल पे हुई थी। तो उसके बाद कुरियर बॉय कीबोर्ड लेने आ गया और उसके 5 या 6 दिन बाद उसने नया कीबोर्ड ला के दे दिया। और आपको दिखाना चाहता हूँ कि रिप्लेस हुआ है मेरा कीबोर्ड, रिटर्न में नहीं कर पाया क्योंकि रिटर्न करने के बाद जो पैसे आने वाले थे वो उनके सीबी रिवॉर्ड पॉइंट में जाने वाले थे। तो उससे और कोई दूसरा चीज़ ही प्रोडक्ट हम परचेस कर सकते, हमको डायरेक्ट कैश नहीं मिलेंगी रिटर्न करने के बाद, इसलिए मुझे रिप्लेस ऑप्शन ही बेस्ट लगा क्योंकि मुझे कीबोर्ड ही चाहिए था और कुछ उनकी वेबसाइट से चाहिए नहीं था। तो मैंने ये इसका अनबॉक्सिंग पहले ही कर लिया है और जो आपको दिख रहा है मैकेनिकल कीबोर्ड वैंत CBGK28 मॉडल मेरे पास आ गया है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें वो सेम प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से मैंने रिटर्न किया था या नहीं, तो अभी मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप भी कॉस्मिक बाइट के वेबसाइट में से कुछ भी लेना चाहते हो तो वो रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको लेना है तो सोच समझ कर ही लीजिएगा क्योंकि वो रिटर्न नहीं होगा, आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, पैसे आपके सीबी रिवॉर्ड पॉइंट में जाएंगे। और सीबी रिवॉर्ड पॉइंट में पैसे जाना मतलब आपको और उनके दूसरे प्रोडक्ट परचेस करनी पड़ेंगे, उसके अलावा वो पैसे वापस नहीं होंगे। या तो अगर आपको खराब प्रोडक्ट आता है तो रिप्लेस तो हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं, लेकिन पैसे रिटर्न नहीं होंगे।
आप डायरेक्ट चीज को रिटर्न नहीं कर पाओगे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो नया कीबोर्ड आया है ये कैसा निकला है। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका बॉक्स मतलब सेम ही कंडीशन में आया था, और ये दूसरा वाला कीबोर्ड है। मेरा वाला कीबोर्ड ही रिपेयर करके नहीं दिया है मुझे, ये न्यू कीबोर्ड मुझे रिप्लेस में मिला है। सो यहाँ पर है ये बिल, और ये अपना यूज़र मैनुअल जिसमें दिया है इसके जो कीबोर्ड के लाइट है वो कैसे वर्क करते हैं। मैंने वैसे मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो, इधर शो हो रहा होगा कि कीबोर्ड के कौन से लाइट है, कौन से मोड है। और इसमें साथ हमें मिल जाता है ये पता नहीं की पुलर है या स्विच पुलर है, और दो स्विच हमें मिल जाते हैं, रेड कलर के ही मंगाए हैं मैंने क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉइस पसंद नहीं है, और ब्लू कलर के स्विच में ज़्यादा नॉइस आता है तो इसलिए मुझे साइलेंट वाले रेड ही अच्छे लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेडेड केबल तो नहीं है लेकिन अच्छी है। वैसे इसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने बहुत लंबा हो गया था अपलोड किया है, आप जाके देख सकते हो। ये तो बस सिर्फ रिटर्न का मैंने आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाया है कि रिटर्न नहीं हो सकता है इस वेबसाइट पर, इसलिए ध्यान से ही परचेस कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जिस चीज़ के लिए इसको रिटर्न किया था उसका मैं आपको साउंड यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो। तो उस कीबोर्ड से जितना गंदा आवाज़ आ रहा था, घटिया आवाज़ आ रहा था, उससे तो कहीं ज़्यादा अच्छा है ये साउंड। और बाकी कीप्स में मैंने ट्राई करके देखे, तो बहुत ही अच्छा साउंड कर रहा है ये कीबोर्ड। तो उस कीबोर्ड में एक टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होंगे इसलिए वो अच्छे से साउंड नहीं कर रहा था, तो ये बहुत ही अच्छा साउंड कर रहा है। तो अभी मैं आपको कनेक्ट करके भी दिखा देता हूँ इसकी लाइटिंग काम कर रही है या नहीं। सो यहाँ पर मैंने अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया है और लाइट्स भी बंद कर दिए तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। सो आप देख सकते हो अभी सब लाइट ऑन है, और ये जो है अच्छे से वर्क कर रहा है। सो ये लाइटिंग सब तो मैं आपको अभी नहीं दिखा सकता, आप भी बहुत बोर हो जाओगे। जैसे कि आप देख सकते हो सभी अच्छे से वर्क कर रहा है ये। इसका साउंड जो कि अच्छा है और लाइटिंग भी अच्छी है तो 1500 रुपये में आप ले सकते हो। बस इतना ही मुझे बताना था कि ये रिटर्न नहीं हो सकता, और मुझे लगता है कि ये जो कीबोर्ड का है वीडियो ये लास्ट होने वाला है इस चैनल के ऊपर, इसके बाद इस कीबोर्ड के ऊपर वीडियो नहीं आएंगे। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसके ऊपर ही वीडियो आएंगे। वैसे अब ईवी से रिलेटेड या फिर और नए नए चीज़ों के वीडियोज़ इस चैनल पर आते रहेंगे। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि और नए नए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वीडियो इस चैनल पर अब आने वाले हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही आपसे कहना था, और आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस लैपटॉप की कीबोर्ड में भी बैकलाइट है, सिर्फ वाइट कलर की है, और ये लैपटॉप मैंने लिया था 27,000 रुपीज़ का। वैसे अभी 27,000 रुपीज़ में एक न्यू लैपटॉप लॉन्च हुआ है, सो उसमें आपको 8 GB रैम और 512 GB का SSD मिल रहा है, और 8 GB रैम 512 और i5 चिपसेट मिल रहा है, सॉरी मुझे थोड़ी बोलने में ये हो गई थी, i5 चिपसेट मिल रहा है उसमें आपको इंटेल का 27,000 रुपये में। तो बेस्ट है गेमिंग के लिए और एडिटिंग के लिए, नॉर्मल एडिटिंग के लिए भी बेस्ट है, नॉर्मल गेमिंग के लिए बेस्ट है। तो आप वो देख सकते हो, यहाँ पर मैं स्क्रीन पर उसका ये लगा दूंगा आप, और डिस्क्रिप्शन में भी उस लैपटॉप का जो है आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सो आज के वीडियो में इतनी, मिलते हैं अगले वीडियो में।